मेरे पास एक शख्स आया, एक ऐसा टूटा हुआ शख्स, एक ऐसा लाचार, एक ऐसा मजबूर शख्स कि जो इतना मजबूर था कि जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया में अक्सर लोग हैं ऐसे जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। जो शख्स पहले अमीर हो उसके बाद गरीब हो जाए तो उसके लिए जो अजियत होते हैं ना, वो आप नहीं समझ सकते। तो ऐसा ही मेरे पास एक टूटा हुआ, एक लाचार सा, एक बेचारा शख्स आया, एक प्यारा मेरा भाई आया, मुझसे रब्ता करके कहने लगा कि शाह साहब इतना मजबूर हूं कि क्या बताऊं। मैंने कहा हुक्म कर। कहने लगे कि शाह साहब अच्छा कारोबार था, गाड़ी पैसा हर चीज था, पता नहीं क्या हुआ कि ऐसा करते करते मैं पीछे चला जाता गया और आज ये वक्त आ गया कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं। कह रहे शाह साहब सुबह से रात होगी मैंने एक निवाला अपने मुंह में डाला तो हराम। इतना रोए, कहे कि शाह साहब जो जमा पूंजी थी, जो थोड़े बहुत मैंने इकट्ठे ही किए हुए थे, वो भी इन झूठे आमलों के ऊपर लुटा दिए। इन्होंने 10 रुपए नहीं छोड़े। मैंने घर का सामान बेच बेच कर इन झूठे आमलों को पैसे दिए, लेकिन इन झूठे आमलों ने हमें कुछ भी नहीं दिया, हमें लूट कर खा गए। यकीन करें इतना रो रहे होते हैं मेरे बहन और भाई कि मैं आपको क्या बताऊं, ये झूठे आमल बहुत जुल्म करते हैं। तो मेरा वो भाई कहने लगा कि शाह साहब एक दफा मैं बहुत परेशान था। कह रहे शाह साहब बीच में से बात एक आमिल ने मुझे तंग किया ना, तो मैं काफी ज्यादा परेशान था। तो परेशान होकर ना मैं अपनी माँ के पास जो गया, माँ के साथ जाकर बैठ गया उसके कदमों में, तो उसने फौरन माँ ने क्या किया कि हाथ में से कंगन निकाल के बेटे को दे दिए। आप ये चेक करें कि माँ के दिल को पता चल जाता कि मेरा बेटा किस मुश्किल में, किस परेशानी में, क्या उसके साथ मसले मसाइल हैं। तो कहने लगे कि शाह साहब मैं जैसे ही कमरे में अपनी माँ के कदमों में बैठा ना, तो फौरन मेरी माँ ने कोई दूसरी बात नहीं की, ये नहीं पूछा बेटा तू क्यों परेशान है या परेशान है, कोई बात नहीं की, कंगन उतार कर दे दिए सोने के। कहने लगे कि शाह साहब मेरी आंखों में से ऐसे आंसू आ रहे थे, मैं क्या आपको क्या बताऊं। तो कहने और बताने का मकसद ये है कि माँ बाप जो होते हैं ना, इंसान अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। माँ बाप को उधरती है कि पता चल जाता है कि हमारी औलाद परेशान है। हालांकि उसने अपनी माँ से जिक्र भी नहीं किया कि मैं झूठे अमल के साथ जो है ना कॉन्टैक्ट में हूँ या कुछ भी इस हिसाब से। कह रहा मुझे पैसों की जरूरत थी, बस माँ के पास जाकर बैठा तो माँ ने कंगन उतार के दे दिए। तो मैंने सोचा चलो ये कंगन उनको देकर, झूठे आमलों को देकर, बेच कर पैसे देकर, चलो जी हाजिरी आ जाएगी माँ को, और भी कंगन ले दूंगा और अपने भी हालात सीधे कर लूंगा। उसने कंगन बेच के वो भी पैसे दे दिए, वो झूठे आमल खा कर बैठ गए। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि किसी के पास ना जाएं, किसी के पास ना भागें, मेरे अमल को करें, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। हाँ आप अमल नहीं कर सकते, डरते हैं, डर खौफ है या जगह वगैरह या कोई परहेज वगैरह कुछ नहीं होता आपसे ना, तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, मैं आपको हाजिरी करवाता हूँ। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और हमारा जो आज का अमल है, आज का अमल परियों की मलका की हाजिरी का अमल है। अगर इस परी को आप हाजिर कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ जितनी परी हैं आपके ताबे हो जाएंगी। ये परियों की मलका है, इसको हाजिर करने का अमल है। अमल 7 दिन का है और अमल बहुत आजमूदा ताकत और मुजरिब अमल है। ऐसा ताकतवर अमल है कि इस अमल को करके आप जो है ना मलका परी को हाजिर कर सकते हैं। मलका परी आगे दुनिया की हर चीज समझे आपके पास होगी, आपकी हर ख्वाहिश हर हाजत पूरी होगी, दुनिया की हर जैन जैस काम तो सेकंडों में होंगे, पलक झपकने से पहले आपका हर काम होगा। इसके नीचे इतनी परियां हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इसको कैद करें, इसको अपने ताबे करें, इसे आप जायज काम करवाएं या करवाएं ना जायज, इसे आप हम बिस्तरी करें या दौलत लें या अपने मसले मसाइल हल करें, कुछ भी करें, गुनाह सवाब आपके सर पे होगा, बाकी आप दुनिया का हर जायज नाजायज काम इसे करवा सकते हैं। मुस्लिम गैर मुस्लिम इसे हाजिर कर सकते हैं, औरत मर्द सभी, बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा भी इसे हाजिर कर सकता है। अमल में कोई डर खौफ कोई परहेज नहीं है। अमल को आपने 7 दिन कैसे करना है, आपने
سب سے پہلے جب آپ نے پہلے دن عمل اسٹارٹ کرنا ہے، رات کے پچھلے پہر آپ نے عمل اسٹارٹ کرنا ہے، 2.5 کلو گوشت آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور گوشت لے کر آپ نے کسی بھی، بے شک کوئی اکیلی کمرہ ہو یا کوئی آپ کی ویران جگہ، کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں پر نہ ہو کہ آپ کو دیکھنے والا نہ ہو کہ سننے والا، ایسی جگہ پر آ جانے کے بعد وہاں پہ آپ نے حصار لگانا ہے، حصار لگا کر اس حصار میں گوشت پھیلا دینا ہے، گوشت پھیلا کر آپ نے اپنی پیٹھ حصار کی طرف کر دینی ہے، اور جو ہے نا چہرہ آپ نے دوسری طرف کر دینا ہے، کسی بھی سائڈ پہ کر دیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنا کرنے کے بعد آپ نے اس منتر کو پڑھنا ہے، اوم اوم حاضری اوم او شدھ اوم۔ اس منتر کو آپ نے صرف اور صرف 103 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ نے واپس جو ہے نا کمرے سے باہر آ جانا، یا ویران جگہ جس جگہ میں آپ نے اس جگہ سے چلے جانا ہے، گوشت وہیں پڑا رہا ہے، آپ نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ تو پھر دوسرے یعنی جب آپ صبح اٹھیں گے تو وہاں پر نہ کوئی یعنی احسار ہوگا نہ گوشت ہوگا، خود بخود مٹ جائے گا۔ تو اسی طرح 7 دن تک آپ نے احسار لگا کر جو ہے نا اسی طرح منتر پڑھنا ہے، احسار کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا، اور 7ویں دن پھر آپ نے گوشت لے کر 2.5 کلو اسی طرح رکھ لینا ہے، اور جیسے ہی آپ گوشت رکھ کر منتر کی تعداد پوری کریں گے تو اسی وقت احسار میں ایک پری حاضر ہو جائے گی، وہ آپ کو حاضر ہوتی کہے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا، یعنی پریوں کی ملکہ آپ کے سامنے ہوگی، تو وہ کہے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے، تو آپ نے اسے کہنا جی یعنی فلاں جو بھی آپ کے کام ہو، جو مسئلے مسائل ہوں، اسے نشانی طلب کریں، اس کے کہنا جی مجھ سے دوستی کرو، میں نے یہ 7 دن آپ کی خدمت کی تو آپ مجھ سے دوستی کرو، تو وہ آپ کو ایک نشانی دے گی، چین لاکٹ کڑا یا کوئی بھی ایک ایسی چیز دے دے گی جس کی مدد سے آپ اسے دوبارہ حاضر کر سکتے ہیں، تو یہ لے لینا ہے آپ سے اسے، اور اسے رخصت کر دینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد جب بھی آپ اسے حاضر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مہاراج کا آسان عمل ہے، امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے، اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب، شیئر لازمی کریں، اور مجھے تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دیجیے اجازت، شکریہ، السلام علیکم۔